हाय गाइस, ड्रीम शॉट टिप्स चैनल में आपका स्वागत है जी। आज हम बात करेंगे बंगाल वॉरियर्स और पटना पायरेट्स की टीम के बारे में, प्रो कबड्डी लीग के बारे में। तो इसकी जानकारी लेंगे हम, पूरी स्ट्रेटेजी सेट करेंगे कि किस तरीके से टीम बनानी है हमारे को, कौन से प्लेयर्स लेने हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्तों को एक बात बता दूँ कि ड्रीम इलेवन जो है वो आपको गेम खिलवाता है, पर इस गेम खिलवाने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक और बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी है। वो सारे दोस्तों को ध्यान से समझनी चाहिए कि मैं बार बार समझाता हूँ। एक तो आप लोगों को जो ग्रैंड लीग है, ग्रैंड लीग में अभी कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है, छोड़ दो उनको, उनके लिए जिनको समझ नहीं है। ग्रैंड लीग के अंदर यदि थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, आप सोचते हो कि हमने लगाया तो छोटा मोटा अमाउंट है और मिल रहा है हमारे को 1 लाख, तो देखो ऐसा है, ड्रीम इलेवन वहाँ फालतू में बैठा हुआ नहीं है आपको बांटने के लिए, उसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है। दूसरी चीज़, स्मॉल लीग खेलो, हेड टू हेड खेलो। और नेक्स्ट चीज़ ये कि यदि आपकी विनिंग हो रही है, लगातार 2 बार जीत गए, 3 बार जीत गए, 4 बार जीत गए, तो भाई मैं कहूँगा कि 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार कोई भी गेम मत खेलो। उसका कारण क्या होता है कि जब आप लगातार जीतते रहते हो तो ये ड्रीम इलेवन की जो ऐप है वो इस बात को नोट करती है और दूसरे कंटेंडर को, दूसरे अपोनेंट को भी ये मौका देती है कि वो भी इसके अंदर विनिंग करें। जब आपकी विनिंग चांसेस ज़्यादा रहती है, फॉर एग्जांपल समझ लो आप 1 2 3 4 4 बार मैच कोई लगातार जीत रहे हो, तो अब आपको वो सामने वाला अपोनेंट जो प्रोवाइड कराएगा वो भी बिल्कुल उसी स्टाइल में ही प्रोवाइड कराएगा जिसकी विनिंग उसी रेशियो में हो रही है। इसका मतलब आपकी किस्मत अच्छी चल रही थी, अब उसकी किस्मत, जिसकी किस्मत अच्छी चल रही थी वो उसके साथ ही डालेगा। पहले तो वो क्या करता था कि आपको हल्का कंटेंडर समझकर किसी के साथ में भी डाल देता था, लेकिन अब जब आपकी रेगुलर विनिंग हो रही है तो वो क्या चाहेगा कि अब दो भारी भारी लोग आपस में भिड़ें। तो इस चीज़ के अंदर मैं कहूँगा बीच में एक आध बार ब्रेक लगाओ, ज़रूरी नहीं है हर मैच आ रहा है, डेली मैच आ रहा है तो डेली मैच हमारे को खेलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ और फिर उसके बाद में खेलो। नेक्स्ट चीज़ ये कि एक दो बार जब आपकी विनिंग हो जाए तो रेस्ट कर लो फालतू के वीडियो देखकर और लोगों की झूठी मोटी बातों में आकर कि मैंने भाई 10,000 जीते, मैंने 1 लाख जीते और उसके प्रूफ वो दिखा देते हैं, उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल बिलीव मत करो। क्योंकि मैंने 10,000 रुपये बिल्कुल जीते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल जीते हैं मैंने, लेकिन एक दो बार ही जीते हैं। उसके अंदर ये नहीं है मैं बार बार कहूँ कि आपको डेली में 10,000 जीतता हूँ, डेली में इतना जीतता हूँ, तो वो सारी की सारी चीज़ें फालतू है, वो केवल आपको मिसगाइड करने वाली बात है। तो डेली 10,000 रुपये जीतने वाला काम कोई भी नहीं है। हाँ, आप जीत सकते हो, लेकिन ब्रेक लगा लगा कर यदि खेलोगे तो आप उस चीज़ के ऊपर जीत पाओगे। तो आ जाओ फ्रेंड्स, बंगाल और पटना की टीम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से हमारे को टीम बनानी चाहिए। आइए तो देखते हैं। देखिए, इस टीम के बारे में कुछ एक जानकारी है जो मैंने यहाँ पर ले रखी है, तो बता दूँ आपको कि प्रो कबड्डी लीग का आज जो मैच होने वाला है बंगाल और पटना के बीच में, तो ये मैच होगा हमारे कहाँ पर, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ पे है, पटना में। और बंगाल की टीम के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो अपने खुद की टीम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो रोहित कुमार रहेंगे जिनके कैप्टन हैं, महेंद्र सिंह ढाका है, महेंद्र सिंह है, पवन कुमार है, शेरावत है, अनिल, अजय, युंग, रोहित, सुमित, आशीष, जवाहर, विवेक है, कशलिंग है, महेश, मारुति है, नितेश है, आनंद, राजूलाल चौधरी, रवि, संदीप सिंह, संदीप है, जसमेर सिंह है, हरीश, डोंग, अमित और अंकित। ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं बंगाल की टीम में से। और पटना की टीम की यदि हम बात करें तो पटना की टीम के अंदर प्लेयर्स हैं प्रदीप नैरवाल जो कि कैप्टन है, अरविंद है, विकास है, प्रवीण, कुलदीप, दीपक, रविंद्र, तुषार, विजय, मनजीत, विकास, टेई ड्यूंग, जवाहर, हेवनिल, मनीष, जयदीप, विजय और सुरेंद्र सिंह। तो इनमें से आप प्लेयर्स ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो 7 प्रोबेबल खिलाड़ी रहेंगे तो पटना के रहेंगे प्रदीप नैरवाल, विकास, जयदीप, विकास, विजय, मनजीत, तुषार, रविंद्र कुमार या फिर मनीष, दोनों में से एक रहेगा। टीम अभी सेट कर लेंगे किस तरीके की टीम बनानी चाहिए। और बंगाल वॉरियर्स के अंदर जो रहेंगे, महेंद्र सिंह, महेश, जेंग क्यून ली, सुरजीत सिंह, रण सिंह, विजिन या फिर मनोज, दोनों में से एक रहेंगे, आदर्श और राकेश, दोनों में से एक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इनमें से आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी टीम बना सकते हैं और आप चाहें तो मेरी टीम पे के हिसाब से भी आप जा सकते हैं। वैसे मैं टीम प्रोवाइड कराता हूँ 9314637
35673 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर भी आप हाय लिखकर भेज सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर लूँगा। तो वहाँ भी मैं रेगुलर अपने अपडेट्स डालता रहता हूँ हर टीम के बारे में, और यूट्यूब के ऊपर हर मैच का वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जिन भी फ्रेंड्स को मेरे साथ में जुड़ना है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उनको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स डायरेक्टली चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें अपनी टीम बना लेते हैं आज की। तो आइए ड्रीम इलेवन की ऐप पे जाकर टीम बनाते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर कबड्डी के लिए जो है, कबड्डी के लिए मैं थोड़ा सा सजेस्ट करता हूँ कि मैं हमेशा दो टीम बना के चलता हूँ, क्योंकि कबड्डी के अंदर कोई भरोसा नहीं है, क्रिकेट में तो फिर भी चल जाता है पर कबड्डी में मैं दो टीम बना के चलता हूँ। तो आइए टीम बना लेते हैं। तो हमारी पहली वाली टीम के अंदर जो मैं डिफेंडर के रूप में लूँगा वो मैं यहाँ पर लेना पसंद करूँगा, एक तो रविंद्र कुमार को लूँगा, एक मैं लूँगा जयदीप को, और एक मैं लूँगा हमारे सुरजीत सिंह को, जो कि पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी इन्होंने। और ऑलराउंडर की यदि बात करें तो ऑलराउंडर में मैं लूँगा रण सिंह को, इनके अलावा मेरे को किसी में भी नहीं जाना है। और रेडर की बात करें तो इसमें मैं लूँगा दीपक नेरवाल को ले लेंगे, महेश गौड़ को लेंगे और मनिंदर सिंह को लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी टीम नंबर वन, जिसके अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा। कैप्टन में तो मैं लूँगा यहाँ पर महेंद्र सिंह को लूँगा मैं, मनिंदर सिंह को मैंने कैप्टन लिया है, और वाइस कैप्टन के रूप में मैं जो लूँगा वो लूँगा मैं यहाँ पर दीपक को, दीपक नेरवाल को। तो ये टीम हमारी वन रेडी हो गई। आइए फ्रेंड दूसरी टीम भी बना लेते हैं साथ के साथ में, टीम नंबर टू को क्रिएट कर लेते हैं। टीम नंबर टू के अंदर थोड़ा सा इससे अपन अपोजिट चलेंगे, और मैं लूँगा विकास काले को लूँगा, सेकंड मैं इसमें भी रविंद्र कुमार, और नेक्स्ट मैं लूँगा सुरजीत सिंह, इनको तो लेना है ही। और ऑलराउंडर की बात करें तो रण सिंह को ऑलराउंडर लूँगा, रेडर्स की बात करें तो मनजीत को लूँगा मैं, मनजीत को मैंने लिया है, एक मैं लूँगा इनको नहीं जे कोंगस्टा, एक मैं लूँगा जेंकुन ली को लूँगा, अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी पहले भी, और एक लूँगा मैं मनिंदर सिंह को। तो ये सेकंड टीम भी हमारी रेडी हो गई है। और कैप्टन और वाइस कैप्टन की यहाँ बात करें तो मैं लूँगा जेंकुन ली को, तो मैं कैप्टन लूँगा, और मुझे लगता है वाइस कैप्टन के रूप में मनिंदर सिंह की परफॉर्मेंस इस मैच में बढ़िया रह सकती है, तो उस हिसाब से मैं जाऊँगा। तो फ्रेंड्स ये टीम थी मेरे अकॉर्डिंग, यदि आप चाहते हो इस टीम के हिसाब से जाना तो आप इस टीम के हिसाब से भी जा सकते हो, और आप चाहते हो कि आपकी खुद की टीम परफॉर्मेंस करे या आपकी टीम बेटर है तो आप डिटेल वहाँ से ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी खुद की टीम क्रिएट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।